सर जी, हाँ भाई नमस्कार। सर मेरी क्वेरी है कि मेरा चालान कटा था जनक सिनेमा पे हाँ 2019 में। हाँ अब मेरे पास ये है, मैं बीमार पड़ गया 2 साल के लिए, फिर मैं गांव चला गया। वहाँ से हाँ आके मैंने देखा मेरी पर्ची खो गई चालान की। हाँ मेरा स्पीड का चालान हुआ था, हाँ और उसके बाद मैं चालान उसमें देख रहा हूँ मोबाइल में लिंक में, हाँ तो उसमें इंश्योरेंस भी है, RC भी है, फलाना सब चीज़ है। उन्होंने अच्छा 2500 2400 को का चालान बना रखा। 2019 एक सितंबर से पहले का होगा फिर ये। हाँ 2019 अगस्त का, अगस्त का ना, 1 सितंबर से नए चालान चालू हुए थे तो सर तो जब समाधान। थोड़ी थे। हाँ सब सर, अच्छा आपका कहने का मतलब है इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे मेरे पास पास था सब कुछ है, लेकिन चालान में वो उन्होंने सब चालान कुछ भर्ती कर दिया। वो उस टाइम पर आपके पास होगा नहीं। नहीं उस टाइम भी था, उन्होंने मेरे से मांगा नहीं, बस उन्होंने स्पीड के लिए कहा कि चला कॉपी दे दो। नहीं मशीन शो करती है ना। नहीं कॉपी 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 थी मेरे पास, ओरिजिनल नहीं था। अच्छा हाँ तो कॉपी थी, मैं कॉपी दिखा रहा था। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आदमी के पास नहीं होते, घर पर होते हैं तो वो बाद में भी ओरिजिनल RC। अब मेरी बात सुन ले, अभी ये हमारे पास सर्कल में आया, क्योंकि जो भी चालान जिस एरिया के सर्कल में होता है तो आदमी जब इस तरह का काम होता है तो वो सर्कल में पूछने आता है। इनका चालान हुआ है अगस्त 2019 में, उसके हाँ। बाद आपने देखा मैं, है नहीं, नहीं मैं आपका मैं लाइसेंस बीमार पड़ जमा गया, है क्या है? लाइसेंस जमा है मेरा, मैं बीमार पड़ गया 2 साल के लिए, मैं गांव चला गया था आगरा। अच्छा तो अच्छा आगरा में अब आया हूँ, मेरी नौकरी लगी, नौकरी वगैरह छूट गई थी मेरी, तो अच्छा अब मैं आया हूँ। तो मैं पहले जनक सिनेमा गया, वहाँ से मैंने पूछा लोगों से कि कहाँ पे है अथॉरिटी, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट अच्छा, सेंटर में। स्लिप है आपके पास? स्लिप सर मेरे से खो गई है, अब 2 साल में 2.5 साल में से स्लिप खो गई है, क्योंकि उस टाइम में मेरे को अपना ही नहीं पता था। कुछ आदमी से स्लिप खो जाती है और कुछ आदमी की स्लिप जेब में डाले रखते हैं तो वो मिसप्रिंट हो जाती है, मिसप्रिंट भी हो जाती है तो दिखता ही नहीं। पर अब ये है चालान नंबर वगैरह मेरे को लिंक है, मेरे को सब कुछ आ रहा है। अच्छा आपके पास उसका चालान नंबर है, जो चालान हुआ था लिंक है सब चीज। आप हमारे पास यहाँ जो सर्कल में आए हो तो क्या करने आए थे? मैं पूछताछ करने आया, क्योंकि मेरे को पता चले कि मेरा चालान कहाँ से मिल सकता है। मैं बड़ा परेशान हूँ पिछले 2 महीने से। अच्छा मेरी नौकरी लगी है तो फील्ड की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा पहली बात देखो, ये जो चालान होते हैं जिस सर्कल में, जैसे ये जनकपुरी सर्कल था उस टाइम पर चालान हुआ, अब ये डाबरी में तब्दील हो गया, तो वो सर्कल वो चालान है कुछ दिन तक, ज्यादातर तो 6 महीने होते हैं, लेकिन अब ये कोरोना का टाइम था इसलिए लगभग 2 साल भी रखे हैं। अभी उतने दिन तक आपका चालान और आपका क्या जमा हुआ था? लाइसेंस, यानी कि एक कॉपी। यहाँ आप सोचते हो भाई मेरी जो वो चली गई तो मेरी कॉपी होगी, हाँ। तो वो कॉपी कहाँ चली गई? अभी कब तक के भेज दिए? 2000 मार्च 2020 तक के चालान सारे कहाँ भेज दिए? कोर्ट नंबर 11, मतलब एरिया वाइज कोर्ट होती है, तो यहाँ की द्वारका कोर्ट का रूम नंबर 11 में भेज दिया आपका मैटर 2000 मार्च 20 तक। मार्च 20 से पहले के जितने चलाना है ना वो यहाँ पर नहीं रहे, वो आपको कोर्ट नंबर 11 में जाना पड़ेगा और वहाँ आप बताओगे कि ये मेरा चलान, क्योंकि आपके पास चलान नंबर है। पर रामीर सर एक चीज़ और है, मैं ना अभी 14 तारीख को जो लोक अदालत लगी थी मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो उसमें वो पहले ही फुल दिखा रहा है, तो मैं लाइसेंस कैसे लूँ तत्काल? आप देख आपने जो बात कही ना वह बात मैं दोबारा बता देता हूँ, फुल क्या आपका निकलेगा नहीं, उसके अंदर वो चालान, एक तो जो कंपाउंडेबल नहीं है वो लोक अदालत में भरे नहीं जाते, दूसरा जो चालान रेगुलर कोर्ट में भेज दिए वो भी नहीं भरे जाते। अच्छा हाँ, क्योंकि वो उसमें सिर्फ प्रिंट आउट उसका निकलता है जो ई बहाल में जो टोडापुर ट्रैफिक पुलिस लाइन ने किसमें उसमें फीड किए हैं, कंप्यूटर में फीड किए हैं। हाँ वो चालान एक तो डेट देते इस डेट तक के, और दूसरे वो चलान जो रेगुलर के कोर्ट में भेज दिए। अब यहाँ तो मार्च 2020 से पहले के सारे तो रेगुलर कोर्ट में भेज दिए हैं, वो आपके रेगुलर कोर्ट में ही मिलेंगे। फिजिकल वाले सारे रेगुलर कोर्ट में मिलेंगे वो नहीं, फिजिकल वाले नहीं, ई चलान वाले भी रेगुलर, ई चलान वाला जब कोई नहीं भरता ऑनलाइन वाला तो फिर वो भी रेगुलर कोर्ट में भेज दिए जाते हैं। आप मेरी बात समझे? अब आपका आपका जो है मैटर है वो कहाँ मिलेगा? आप कहना चाह रहे हो द्वारका कोर्ट रूम में 11 में मिलेगा। हाँ वहाँ जाइए, और ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो भी वो रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ, रिकॉर्ड रूम में जमा रहते हैं, कोर्ट में जमा हो जाते हैं। अब जैसे मेरे को एक चीज़ और बताइए रामजी सर, कि जैसे उन्होंने इंश्योरेंस बना दिया, RC बना दी, पॉल्यूशन बना दिया, मेरा तो स्पीड का था चालान, अगर अगर कोई डॉक्यूमेंट का ऑफेंस है, हाँ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का ऑफेंस है और उस टाइम पर आपके पास डॉक्यूमेंट था नहीं, हाँ था नहीं,
या चाहे आप कह रहे हो कि मेरे पास था लेकिन वो बना है, बना भी है और आपने दिखाया नहीं होगा, या तो नहीं, मेरे पास सारी चीजें हैं, चाहे 2019 चलो आपके पास उस टाइम के है ना, कई बार चलान आज भी हम बनाते हैं, हम जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, असल तो मशीन दिखा देती है और ना भी शो करती रहे नहीं, उसका चलान कर दिया तो वो कोर्ट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट में दिखा दो, अपना कंटेस्ट करे और वो चीज दिखा दो, वो हटा देंगे, सिर्फ आपका और स्पीड का चलान बच जाएगा और आपका जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा वहाँ से। और बताओ कोई क्वेरी हो? नहीं और कुछ नहीं, मैं तो ये बड़ा परेशान हूँ। कोई भी आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, बहुत पुराना उसका चलान है तो एक बार सर्कल में जाके पता कर ले, अगर वहाँ सर्कल में ये कहते जी हमने तो कोर्ट में भेज दिया, तो वो आपका कोर्ट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट और वो चलान भरा जाएगा। आप साइबर कैफे से भी मदद ले सकते हो अपनी गाड़ी का नंबर भर के, वो आपके पास है ही, इसलिए कभी भी रसीद को ना खोए, रसीद को सुरक्षित रखे, प्रिंट एक उसकी कॉपी और बनवा के रख ले ताकि प्रिंट ना मिटे। सही बात है। मैं सहरामदीर सांगवान, ZO दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इस तरह की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।